आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? प्रमोद सिंह, ग्राम कछुआ। आपकी समस्या क्या है, क्या परेशानी है? हम लोग का बूथ नीचे दे दिया गया है कि जो हाँ वहाँ वोटिंग देने में असमर्थ हैं। आपके गांव से पोलिंग बूथ कितना दूर है भाई? गांव से 15 किलोमीटर दूरी है। गाड़ी जाने का साधन है? वहाँ पर कोई व्यवस्था गाड़ी की नहीं है। इस लुक में वहाँ जाने में सभी लोग असमर्थ हो जाएंगे। आपका क्या नाम है, घर कहाँ है? भोला से। लोकसभा का इलेक्शन होना है और आपको वोट जाकर PPCL अमझोर में करना है नीचे। बहुत मेहनत है, वहाँ हम लोग वोटिंग देने नहीं जाएंगे। जाने आने में बहुत कष्ट है। अब वहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे, चढ़ने उतरने में हम लोग के बहुत मेहनत होता है। वहाँ जाने का विचार नहीं करता है कि हम लोग वोटिंग करेंगे जी। हमनी के वोटिंग करावे के बाद यही जे बूथ होना चाहिए। हम लोग यही जे बचे बचा जिसका नाम है वो वोटिंग कर सकता है। नहीं तो बूढ़ पुरानिया है, बहुत वोटिंग देने वाला व्यक्ति रह जाता है। देखिए आप लोग का बूथ चल गया नीचे, आप लोग वोट देने जाइएगा? नीचे नहीं जाएंगे हम लोग, बहुत प्रॉब्लम है, घाट पहाड़ है, 15 किलोमीटर दूर है, गर्मी के मौसम है, कैसे जाएंगे? आप लोग वोट देने नीचे नहीं जाइएगा? क्या आप नीचे, आप लोग का बूथ चला गया, आप नीचे वोट देने जाइएगा? जाएंगे लेकिन वो व्यवस्था नहीं है, लेकिन जाएंगे। लेकिन कितना दूरी बूथ पड़ता है यहाँ से, नीचे कितना दूरी पड़ता है? 15 किलोमीटर। जाने की कोई सुविधा है? नहीं। आप लोग का जो बूथ है नीचे चला गया है, आप लोग वोट देने कहाँ जाते हैं? तिलका अमझोर। तो बताइए कि आपका बूथ वहाँ चला गया, आपका बूथ पहले कहाँ 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 था? चाकड़ी। आप अपना बूथ पर जाते हैं वोट देने के लिए? हाँ। कब से हुआ इसे? 3 साल हो गया। तो देखिए आप लोग नीचे जाइएगा। समस्या है कि यहाँ पर रोड नहीं है, लाइन नहीं है, जल का पानी का व्यवस्था नहीं है, वोट मारने का भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर 30-40 किलोमीटर भूत मारने जाता है लोग 500। और यहाँ पर भूत हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। आइए, जो इस वक्त मेरी मौजूदगी है, मैं बता, आज जो मैं खबर दिखाने के लिए निकला हूँ, रोहतासगढ़ की खबर को दिखाने के लिए निकला हूँ, रोहतासगढ़ की समस्या को दिखाने के लिए निकला हूँ, रोहतासगढ़ के लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं वो दिखलाने के लिए आज न्याजी न्यूज़ निकल पड़ा है, चल रहा हूँ। मैं बता दूँ पहले कि ये वही जगह है जहाँ से बहुत सारे लोग रोहतासगढ़ कछुआ चाकडी एक जगह है जहाँ के लोग इसी रास्ते से आते हैं और मेरा प्रयास है कि शायद किसी से मुलाकात हो जाए। मैं चल रहा हूँ और उनसे मैं बात करूँगा। हाँ, क्या नाम है आपका? रीना देवी। कहाँ के रहने वाली हैं? चाकडी के। चाकडी से सारे लोग आप, क्या आप लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं? हाँ सर, एक ही गांव के हैं। अच्छा, ये बताइए इस बार माहौल का इलेक्शन है और वहाँ फिर वोट पड़ना है, लोकसभा का इलेक्शन है, आप लोग क्या वोट पड़ता है कि नहीं? पड़ता है सर। वोट पड़ता है जी। इस बार क्या इरादा है आप लोग का, क्या तैयारी है? हम लोग की तैयारी है कि मेरा गांव में वोट पड़ना चाहिए। आपके गांव में वोट पड़ना चाहिए, क्या मसला है वोट पड़ना चाहिए? वोट तो पड़ता है ना। हम लोग की समस्या है कि उतरे में बहुत दिक्कत है, घाट गर्मी के दिन है, चलना में बहुत देखते हैं कि गर्मी है, घाम लगता है। हम लोग की समस्या ये नहीं है कि बेखले पीले आदमी वोट देने के लिए नीचे जैसे। समस्या क्या है कि वहाँ से चलना फिरना पड़ता है, उतरना पड़ता है वोट देने के लिए, तो आपके गांव में ना वोट पड़ता होगा? हाँ सर, वोट क्या समस्या जैसे क्या गांव में आपके वोट पड़ता है ना, स्कूल है ना वहाँ पर जी। अच्छा, इलेक्शन होगा तो क्या होगा, आप लोग वोट किसको दीजिएगा? मोदी जी को जानती हैं जी, प्रधानमंत्री हैं भाई आपके मोदी जी। तो क्या इरादा है इस बार? क्या इरादा है कि जिस विश्वास रखेगा कोई काम के उसके ना वोट हम लोग को देना चाहिए। क्या विश्वास नहीं है आपको? हाँ। पूरा हिंदुस्तान चला रहे मोदी जी, आपको विश्वास नहीं है? तो ये बात है, आप लोग उतरती हैं इतना दूर से सफर करके आती हैं, चल कर आती हैं, कहीं पानी नहीं पीने को मिलता कि नहीं जंगल में? ना पानी। अच्छा, आपकी वोट दीजिएगा तो क्या समझ सकते अपना वोट दीजिएगा?
अपना वोट आप लोग दीजिएगा ना भाई, 2024 का 1 जून को इलेक्शन होने वाला है, वोट पड़ने वाला है, तो क्या सोच के आप लोग वोट दीजिएगा? हमने के व्यवस्था मिली तो वोट दिया जी, नहीं तो ना दिया जी। तो कैसा व्यवस्था आप लोग खोज दी है? कैसा व्यवस्था खोज दी है? काहे नहीं तो व्यवस्था नहीं रही तो कैसे हमने के काम चली? तो व्यवस्था क्या खोज दी है ये बताइए ना, आपको तो वोट तो पड़बे करेगा भाई, जेबे करेंगे लोग वहाँ। आपके गाँव में वोट पड़ता है? अभी बाकी नहीं पड़ी। आपकी कैसी पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऐसा क्या बोल रही की आपकी वोट नहीं पड़ेगा, हर साल पड़ता है, हर बार पड़ता है? तो नहीं तो हमने के वोट हमने के व्यवस्था दी ही, हमने के नीचे। तो कैसा व्यवस्था चाहिए आप? व्यवस्था बताइए ना भाई, क्या चाहती है व्यवस्था में, क्या चाहती है? हमने कैसे जाए ऊपर बूथ चढ़वाइए? हाँ वही से ऊपर बूथ चढ़वाया जाए। उतरने में कहाँ उतर के कहाँ जाती है आप लोग वोट देने? किसी स्कूल में वोट देने? ऊपर से नीचे आप लोग आती है? यही परेशानी आप लोग? हाँ, हम लोग यही परेशानी। हाँ। आप लोग के गांव में वोट नहीं दिया जाता है? पुराना बूथ है। ये बताइए कि आपके गांव में मशीन वाले लेकर मशीन नहीं जाते हैं? चल जाएगा कहा नहीं, लेकिन वो लोग अगले इलेक्शन में आपके गांव में गए थे लोग कि नहीं वोट कराने के लिए? गए हैं, बहुत लोग गए। अब क्या होगा, अब जाएंगे लोग? काहे नहीं जाएगा तो हम लोग नीचे नहीं आएंगे वोट देने के लिए। तो वोट आप लोग कहाँ देना पड़ता है बताइए? हम लोग बूथ जाना चाहिए चाकडी स्कूल में। आप लोग ये चाहती है कि हमारा वोट जो हो चाकडी स्कूल में हो? आप लोग PPCL में वोट देना चाहिए? नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है कि ये चाकडी रोहतास गढ़ से चलकर ये लोग PPCL में आती हैं, जहाँ पर इनका वक्त काफी वक्त लग जाता है, 2 से 3 घंटा इनको लग जाता है। अभी तो नेता जी आएंगे, इलेक्शन हो रहा है, आपके दरवाजे पर जाते हैं लोग नहीं वोट मांगने? जाते हैं नेता लोग, जाते हैं आपके दरवाजे पर? तो क्या आप समस्या उनसे नहीं बोलते कि हमारे यहाँ पानी का दिक्कत है, हमारे यहाँ लाइन का दिक्कत है? बहुत बोलते हैं, बोलते हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या ये लोग वोट करने के लिए जो आएंगे तो 1600 फीट की ऊंचाई से उतरकर 0 मीटर पर आने के बाद 2.5 किलोमीटर इनको चलकर पोलिंग बूथ पर जाना होगा और जाके ये वोट करेंगे, अपने मत का अपना मतदान करेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है गांव में, इनके वोट इस बार जो है नहीं पड़ेगा। PPCL में इनको आकर वोट देना है और इनका मानना है कि अगर हमारे गाँव में वोट पड़ेगा, वहाँ पे सरकार ने व्यवस्था बनाया, तो हम सारी महिलाएं, सारे जो भी ग्रामीण के लोग, जो गांव के लोग हैं, हम जाकर अपना वोट अपना मतदान करेंगे। लेकिन PPCL अमझोर में अगर चाना होगा तो हमारी जो वोट की परसेंटेज है कम हो सकती है, हम नहीं भी आ सकते हैं, क्या ऐसा है ना? नहीं सर, हम लोग नहीं आ सकते हैं PPCL स्कूल में। PPCL में फाइनल है आप लोग का? हाँ। कि PPCL में हम लोग नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, हम लोग को परेशानी ना है सर। हाँ। घाम में धूप में हम लोग कैसे आएंगे? अपना शरीर देखेंगे कि वोट देखना है हम लोग का? शरीर से ये बात आप लोग ने अपनी कहीं पहुंचाया है कि भाई हमारे साथ ऐसी समस्या है, हम लोग नहीं आ सकते हैं, तो कैसे होगा? पहुंचाए मुख्य सर घर ही जा काल तो हमने के बोलल है जा कि हमने के नहीं जल जी वोट नहीं करेंगे ना, गांव में हमको व्यवस्था चाहिए। चलिए इस मुद्दे पर मुखिया जी से भी बात करते हैं कि आखिर ग्रामीण की जो तकलीफ है, परेशानी है, वोट को लेकर है कि हम इतनी दूर पे वोट देने नहीं जाएंगे। आज इस वक्त मैं रोहतास दल के मुखिया जनाब नागेंद्र साहब हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं और मैं इनसे आज इस बात के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि रोहतास दल में बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, अभी एक और खबर निकल कर आ रही है कि आपके कछुआ चाकडी में कुछ लोग वोट देने से परहेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम वोट नहीं करेंगे, क्या भाई? तो वजह ऐसी बात है, हमको दूर जाना पड़ रहा है, क्या ऐसा खबर है? देखिए, बात तो सही है। पहले 2001 में पंचायती चुनाव जब था तो चाकडी विद्यालय पर ही मतदान हुआ था। उसके बाद नक्सल के बढ़ जाने से 2006 से उस बूथ को स्थानांतरण करके PPCL अमझोर में कराया गया और उसी समय से यहाँ वोटिंग होते आ रहा है, लेकिन अब ऐसा कुछ समस्या पहाड़ पे है नहीं। और जहाँ तक सड़क के बात था तो वन विभाग द्वारा सड़क भी बनवा दिया गया है, प्रशासन को वहाँ जाने और आने में कोई आपत्ति नहीं है। हम भी जिला प्रशासन से चाहेंगे कि उन लोगों को
आज़ादी के बाद पहला बार वहाँ वोटिंग करने का ईवीएम से मौका मिलेगा, उस खुशी को छीनने ना, उन लोग के खुशी को और बढ़ाने का काम करें। हमारे पास वहाँ के ग्रामीण ने फ़ोन किया था, हमने गया भी था, लेकिन उन लोगों ने पूरे गांव के साथ मीटिंग किया है और कहा कि इस चिलचिलाती धूप में 15 किलोमीटर पैदल पहाड़ से उतर करके वोट दे करके घर पे वापस आना संभव नहीं है।